शादी के मंडप में दूल्हे ने रखी ऐसी शर्त जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे दूल्हे की कहानी जिसने अपनी शादी के मंडप में ये शर्त रखी कि उसकी दुल्हन उसके महिला परिजनों के सामने कपड़े उतारे, उसके बाद ही वो शादी करेगा। सोचिए कितनी अजीबोगरीब शर्त है ये। आखिर क्यों दूल्हे ने ऐसी शर्त दुल्हन के सामने रखी और फिर क्या हुआ दूल्हे के साथ, जानिए इस वीडियो में। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, शेयर करें हमारे वीडियोस को। तो दोस्तों, ये घटना है जय नाम के एक दूल्हे की जिसने अपने ही शादी में कुछ ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दूल्हे ने दुल्हन से कहा कि अभी वो उसके महिला परिजनों के सामने कपड़े उतारे, उसके बाद ही वो उससे शादी करेगा। जब लोगों को इस शर्त के बारे में पता चला तो माहौल काफी गर्म हो गया। धीरे धीरे करके ये बात पुलिस तक पहुंच गई। जब पुलिस वालों ने इस बात को सुना तो उन्होंने लड़के की बात को समझा कि आखिर वो ऐसी शर्त क्यों रख रहा है। दरअसल ये दूल्हा एक अफवाह का शिकार हो गया था। दूल्हे ने कहीं से सुना कि लड़की के शरीर पर सफेद दाग है। जब पुलिस वालों को इस बात का पता चला तब उन्होंने थाने के अंदर बने एक कमरे में दूल्हे के महिला परिजनों के सामने दुल्हन को कपड़े उतारने के लिए बोला। जब ऐसा हुआ तब ये बात सामने आई कि दुल्हन के शरीर पर कोई भी सफेद दाग नहीं बना हुआ है। इसके बाद दूल्हे के परिवारजनों ने दुल्हन के परिवारजन से माफी मांगी और फिर शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।